ए भगवान, ए भगवान, मुझे शक्ति दे, मुझे इतनी शक्ति दे ताकि मैं अपनी ऑडियंस को कुछ बातें समझा सकूं, ताकि इनको लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग टर्म में काम आए। ये शादी वादी करने से पहले बहुत बार सोचे, इतनी शक्ति दे ऊपर वाले। तो यार देखो, सबसे पहले ना आप ये वीडियो देखो, ये चूतिया पा देखो, मैं भी देखता हूँ आपके साथ। देखो जिसको समझ आ गया ठीक है, नहीं आया मैं आपको बता देता हूँ। कपल होते हैं हस्बैंड वाइफ, 12-13 साल हो जाते हैं शादी को, बच्चे होते हैं। अब वाइफ को क्या कोई और पसंद आ जाता है, अब वो चाहती है कि भाई मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, बच्चे बच्चे गए तेल लगाने, बच्चों से इनको कोई मतलब नहीं है, बच्चे रो रहे हैं। अब वो जाते हैं पुलिस वुलिस के पास, यानी कि अथॉरिटीज़ के पास, कि भी ऐसा ऐसा हो रहा है। यार देखो अथॉरिटीज़ तब एक्शन लेती है जब उसके लिए कोई प्रोविजन बनाए। अब वाइफ किसी और के साथ रहना चाहती है तो हस्बैंड के पास एक ही ऑप्शन है, वो कोर्ट जाके डाइवोर्स ले ले। वो भी तब, डाइवोर्स का फायदा भी तब तब है जब उसको दूसरी शादी करनी है, अदरवाइज ऐसी चलने दो। जब तुम्हें दूसरी शादी नहीं करनी ना, तब लो, मतलब तब मत लो डाइवोर्स, अगर तुम्हें दूसरी शादी करनी है। हाँ भी यार, तो डिग्री काम आती है, ताकि तुम्हें 494 में बचा सके कि तुमने दूसरी शादी कर ली बिना तलाक के, तब काम आती है। अब क्या है, देखो वाइफ की चॉइस है यार, वो कर सकती है, सब कर सकती है। हस्बैंड के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही उसे कोई कंपनसेशन मिलेगा कि भाई तेरी वाइफ भागी ले, तेरे को सरकार इतना पैसा दे रही है, तो अपना गुजारा भत्ता कर ले अपना, कोई कोई नहीं है ठीक है। ना ही वाइफ को कोई पनिशमेंट मिलेगी, भाई उसकी चॉइस है। अभी बताता हूँ क्यों। सेक्शन 497 ऑफ IPC, उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया था 2018 में। हाँ, जोसेफ साइड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें बोला था कि जो वाइफ है ना वो हस्बैंड की माँ, वो नहीं है, स्लेव नहीं है, यानी कि हस्बैंड इज नॉट द मास्टर ऑफ वाइफ। जो हस्बैंड है वो वाइफ का मालिक नहीं है, जब मालिक नहीं है तो उसका कोई राइट नहीं है उसको रोकने का, टोकने का। सेकंड पॉइंट ये था कि जो वाइफ है ना उसको सेक्स ऑटोनॉमी है, उसकी मतलब उसकी चॉइस है, वो कहीं भी जाके मुंह काला करे, वो करे, सब कुछ उसकी पर्सनल लिबर्टी है, आर्टिकल 21 ठीक है। अगर हस्बैंड को दिक्कत है, अगर हस्बैंड को दिक्कत है तो बस इसको रेमेडी बना दिया कि भाई डाइवोर्स ले ले, पनिशमेंट नहीं है, समझ रहे हो, पनिशमेंट नहीं है कुछ भी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यार फिर तो शादी का कोई महत्व नहीं है, तो यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, कोई महत्व नहीं है। तभी तो कह रहा हूँ सालों सोच समझ के क्या करो शादी, बॉयज़ के लिए स्पेशल, लड़कियों का कुछ नहीं जाता भाई, दिक्कत होती है लड़कियों का, लड़कों का। अगर ये काम लड़का करता ना, लड़का छोड़ के चला जाता, तो वाइफ के राइट्स अराइज हो जाते, राइट टू लिव इन रेजिडेंस होम, मेंटेनेंस का, चाइल्ड कस्टडी, पता नहीं क्या क्या फलाना दिखाना ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल क्वेरेलिटी। लेकिन हस्बैंड के लिए कोई वो नहीं है, माँचोदा हस्बैंड। तो ये अब इसका ऑप्शन क्या है, अब इसका ऑप्शन क्या है, तो यार देखो लोग, लीगल ऑप्शन तो कुछ नहीं है, अब इसका सोशल ऑप्शन है। उससे पहले मैं ना तुम्हें थोड़ी साइकोलॉजी बता देता हूँ, ताकि ना तुम्हें थोड़ा एक ना ये वहम उतर जाए, ये शादी वादी का ना ये अच्छे से उतर जाए। तो देखो यार, यू नो ह्यूमन, आई नो ह्यूमन नेचर, तुम इंसान को जानते हो, मैं इंसानी फितरत को जानता हूँ। फितरत क्या है, इतना तो बड़ा हूँ नहीं मैं तुम्हें बता सकूँ, बस तुम 2 लाइन सुन लो। ह्यूमन फितरत ये है, इंसानी फितरत ये है, वो चेंज होगा, पहला फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली, सेक्सुअली, फाइनेंशियली, हर तरीके से, इमोशनली, हर तरीके से चेंज होता है यार। तुम खुद देख लो, तुम छोटे थे कुछ और थी, अब कुछ और हैं, प्रायोरिटीज़ कुछ और है ना। जब मैं छोटा होता था ना, मेरे को वो पैंट चाहिए होती थी जिसमें बहुत सारी ज़्यादा जेब होती थी, आज मेरी प्रायोरिटी कुछ और है, आज मेरे को परी चाहिए, वो वाली परी नहीं, रोल्स रोज वाली परी, ये वाली। तो चेंज हो गया ना, मतलब चेंज होता है, पहली फितरत, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, आपने सुना होगा। तो इंसान भी चेंज होता है भाई, अब उसकी चॉइस थी, बदल गई। सेकंड, इंसान अपने आप को डिफेंस, मतलब डिफेंड करता है, कभी भी ना अपनी अपनी गलती नहीं मानेगा कि यार मेरी गलती है भाई, सॉरी फील, कभी नहीं, वो अपने आप को डिफेंड करेगा हमेशा, कितना भी, मतलब चोर अपनी चोरी कभी नहीं मानेगा। वो बहुत कम लोग होते हैं मेरे जैसे जो मान लेते हैं अपनी गलती, हाँ भाई इट्स माई फॉल्ट मैन। तो बहुत सारे लोग अपनी गलती नहीं मानते ठीक है, आज के लिए यही 2 साइकोलॉजी। अब देखो इसमें क्या, लड़की चेंज हो गई, हो गई ना, अब लड़के का क्या है, कुछ नहीं, झेलो भैया। अब उसको देखो कितना प्रेशर होगा यार, जहाँ वो जॉब पे जाएगा, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या बोलेंगे, भाई तेरी माँ भाग गई थी ना उसके साथ ऐसे ऐसे, क्योंकि यार जो बात पता तो चली जाती है। अब हस्बैंड काम करने जाएगा तो उसको क्या फील होगा कि भाई देख ये इसकी इसकी भाग गई थी भाई, अपनी वाइफ को भी नहीं रोक पाया और यहाँ ज्ञान पेल रहा है, ये वो फलाना दिखाना। तो भाई बहुत बहुत कुछ वो करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है उसको। तभी कहता हूँ कि शादी ना सोच समझ के क्या करो, बहुत सोच समझ के, और इसमें इसको ना समझ लो साइकोलॉजी को, इंसान चेंज होगा। अगर तुम्हें लगता है ना कि यार ज़्यादा ही ट्रस्ट है, तब जाके कुछ शादी वादी क्या करो, अदरवाइज इतना ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो किसी के ऊपर। अब सोशल ऑप्शन क्या है इसका, देखो सोशल ऑप्शन ये है, इफ़ यू कांट चेंज द वाइफ, चेंज द वाइफ, यानी कि अब यहाँ वाइफ तो चेंज कर नहीं सकते आप, लेकिन क्या है, मतलब शादी अगर करनी है तो डाइवोर्स लेके कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप मान लो आपको डाइवोर्स नहीं लेना, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं पड़ना, तो आप एक ऐसी लड़की को देखो या औरत को देखो जिसका पति छोड़ के चला गया हो और वो तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है बिना फेरे के, ठीक है, बिना फेरे के तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है। और या फिर कुछ ऐसी लड़की, मतलब कुछ ऐसी औरत जो तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को सपोर्ट कर सके, भाई उसको भी सहारा चाहिए किसी मर्द का और तुम्हें भी सहारा चाहिए उसका बिना फेरे के, ठीक है, बिना फेरे की बात कर रहा हूँ, कहीं फेरे ले लो उसके साथ। अब इंडिया में ना क्या यार देखो,
एक चीज़ देखी मैंने, मतलब फेरे करने अलाउड नहीं है, यानी कि शादी होने के बाद तुम फेरे नहीं कर सकते, बस सेक्स कर सकते, यानी कि फिजिकल रिलेशन बना सकते, लिव इन में रह सकते हो, बस फेरे नहीं ले सकते, फेरे के बाद वाले काम कर सकते हो। समझ रहे हो, लूप होल्स इन इंडियन लॉज। तो भाई सोशल ऑप्शन यही है आपके पास कि आप किसी ऐसी लड़की को देखो जो तुम्हें एक्सेप्ट कर सके, आपके बच्चों को संभाल सके। और बस यही ऑप्शन है, लीगल ऑप्शन कुछ नहीं है। तभी कहता हूँ यार, शादी सोच समझ के क्या करो। ओके, सो आई होप यू विल थैंक्स मी लेटर, मुझे आप बाद में धन्यवाद करोगे। ओके बाय। चाहिए क्या हो रच को? साला को यहाँ उठा के देखता तो हाथ चीर के हाथ में दे देता उसके। प्यार मेरे से ज्यादा प्यार कौन कर सकता है उसको? अरे चल के भागी।